बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का निधन हो चुका है। अस्पताल में वो भर्ती थे, उनका इलाज जारी था। और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि सपा सांसद शफीकुर रहमान अब नहीं रहे। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सपा सांसद शफीकुर रहमान जो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, इलाज उनका चल रहा है। खबर आ रही है, दुखद खबर, उनका निधन हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव जो है वो शफीकुर रहमान का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन यहाँ देखिए ये दुखद खबर आ रही है, सपा सांसद शफीकुर रहमान जो है उनका निधन हो गया है। तो देखिए, संभल से सांसद थे शफीकुर रहमान, 94 साल उनकी उम्र थी, जिनका अब इंतकाल हो चुका है। अस्पताल में काफी वक्त से वो भर्ती थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये दुखद जानकारी मिल रही है कि सपा सांसद शफीकुर रहमान का निधन हो चुका है। तो दुखद खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क जो है अब हमारे बीच नहीं रहे, निधन की खबर मिल रही है। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे।